ऑनलाइन करा करके हमको लिस्ट हमको चाहिए 3 से 4 दिन के अंदर। प्रखंड विकास पदाधिकारी आपसे संपर्क किए, आपने संपर्क किया उनसे? BDO साहब जो आए हैं इनसे संपर्क किया आपने? ना सर। अरे हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? लोगों के बीच जाए अच्छा लगा, कुछ हमने पेंशन से काम भी लोगों को जानकारी दिया। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच। 2 दिन पूर्व झाझा प्रखंड के फोक्सा गांव में हम लोगों ने कुछ जानकारियां ली, जहां पर इंदिरा आवास जो 1996 में बने थे बिल्कुल टूटकर खंडहर में बदल चुके हैं। इसकी जानकारी हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार को दी, जिन्होंने त्वरित संज्ञान लिया और आज फोक्सा गांव गए, वहां पर लोगों से मिले, लोगों से जानकारियां दी। कईयों के राशन कार्ड नहीं थे, कहा कि राशन कार्ड बनेगा, विधवा पेंशन बनेगा। और ये जो इंदिरा आवास के बने हुए मकान है, इनके जीर्णोद्वार के लिए फंड आते के साथ सबसे पहले फोक्सा गांव के लोगों को ही वितरित किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा, हम लोग BDO का नाम जानते थे कि BDO साहब कोई होते होंगे, लेकिन आज पहली बार कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे गाँव फोक्सा में आया है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट फोक्सा गांव से। देखने सुनने को मिला सर यहाँ आज, हम अपने प्रखंड के जो हमारे कर्मी हैं उनके साथ हम आए हैं और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं। तो प्रथम समस्या जो निकल कर आ रही है कि राशन लोगों को नहीं बना हुआ है, तो प्राथमिकता के तौर पर पहले राशन कार्ड बनवाना होगा और उसके बाद हम लोग कुछ कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उनको भी हम सूची में नाम नोट करने जा रहे हैं। तो जब भी जैसे ही टारगेट आएगा सबसे पहले उन्हीं को हम लोग देंगे, यह तय है। लेकिन जिनका कि बपुर में कलस्टर में बना है या घर जर्जर है, तो जीर्णोद्धार के लिए हम राशि की मांग हम करेंगे और जैसे मिलेगा हम लोग आगे का काम करेंगे। सर जिस तरह से जगी है सर कि पहला प्रखंड विकास पदाधिकारी है जो जनता की समस्याओं को देखने सुनने आए, खास करके महादलित बस्ती में, इसके पहले भी कई BDO आए लेकिन इन लोगों का हाल चाल नहीं लिया, तो क्या कुछ लगता है सर जनता की आशाएं पूरी होंगी? नहीं नहीं, वो तो है, बात तो आप सही बोल रहे हैं। हम तो जब भी आए हैं तब से लगातार मतलब कोई न कोई गाँव हम हमेशा जाते हैं और प्रथम हाफ में हम कोई न कोई गांव को जरूर टारगेट करते हैं ताकि वहां की समस्याओं को जाने, लोगों के बीच जाए। अच्छा लगा, कुछ हमने पेंशन से काम भी की, लोगों को जानकारी दिया, कन्या विवाह योजना के बारे में बताया। और जो भी इस तरह का काम होगा, अपने जनप्रतिनिधि जो यहां के स्थानीय हैं उनका भी हमने सहयोग मांगा है कि आप सभी कोई मिल करके लिस्ट तैयार कीजिए और हम इसको जल्द से जल्द जहाँ तक बनेगा जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लाभ दिया जाएगा। नाम बता अपना। पूरो देवी। हाँ। कहाँ है, कौन सा बस्ती है ये? फोक्सा है। क्या परेशानी है? घर इंद्रावास में आए सर। प्रखंड विकास पदाधिकारी झाझा के आपके गांव आए हैं आपकी समस्या को समाधान के लिए, क्या कहना चाहती हैं आप? घर देखो ढाल धन बना ले, माटी घर है, पति ना है, वो बेटा ले, वो डेट हो गए, एक बेटा है। क्या चाहती है सरकार से? घर चाहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी आपसे संपर्क किए, आपने संपर्क किया उनसे? BDO साहब जो आए हैं इनसे संपर्क किया आपने? ना सर। सामने मौजूद हैं। हाँ। संपर्क कीजिए, बोलो आप। देखे तो सर पर देखे वार्ड आपके ही है, सूची बन जाएगा, राशन कार्ड है आपको, पहले लिस्ट बनेगा तभी ना हम लोग भेजेंगे, डिमांड करेंगे कितना है इतना चाहिए। यहाँ डीलर साहब नहीं है, अनाज वितरण हो गया, ये कहाँ कैलाश रहे है? अनाज का उठा हुआ है जी, अभी नहीं आया है। ऑनलाइन करा करके हमको लिस्ट हमको चाहिए 3 से 4 दिन के अंदर, ताकि नहीं नहीं सामने में जो आपका घर के सामने जो महादरी टोला मांझी जो लोग हैं, अरे हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जी, समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कल आइए, सोमवार को आइएगा आप ऑफिस में। फोक्सा गांव में पहली बार किसी
किसी पदाधिकारी की, खासकर झाझा के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार यहाँ पहुँचे हैं ग्रामीणों के दुख दर्द को देखने के लिए, और इंदिरा आवास में तो जीर्णों द्वार उसके लिए पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद मतलब कितना पैसा मिला था? उसके बाद पैसा इन लोग को नहीं मिला, मरम्मती एक बार भी नहीं मिला। तो ये घर ढलैया है, लेकिन आप लोग खाना उसमें बनाते हैं? राशन कार्ड है आपको? दिन का राशन कार्ड नहीं है? अरे ये तो भाई ये वाला देखिए, मतलब ये जो लाइन वाला है ये 1996 का ही बना हुआ है। हाँ, ये जो लाइन वाला है, हाँ ये मतलब इसमें सब नीचे गिर गया। अच्छा, खुद आए हैं देखने के लिए। इस तरह आप जान पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन लोगों को अभी तक ये नया वाला, हालांकि लोगों को इंदिरा आवास मिला था जो बहुत जर्जर है, कभी भी छतें गिर सकती हैं, कई लोगों को दबकर मरने की भी संभावना हो सकती है। इस तरह बरसात आ रही है। नहीं, राशन कार्ड में है ना? नहीं है राशन कार्ड। क्या करते हैं पति? क्या करते हैं पति? बाहर मजदूरी करते हैं ना? हाँ, सब पर तो आप लोग का राशन कार्ड बनवाएंगे, ठीक है? पति का नाम, आधार कार्ड। पति का क्या नाम? वार्ड जी को नाम ही नहीं है। वार्ड जी आपका क्या नाम हुआ? गोविंद जी, आपका एक काम देखे जा रहे हैं। इस टोला के जितने भी लोग हैं, तीन टोला है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए। और